गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ कपिल शर्मा। आप तो जानते हैं कि कपिल शर्मा का नेटवर्थ अभी बहुत ही ज्यादा है और इनका नेटफ्लिक्स में आया सीजन 1 ब्लॉकबस्टर हिट गया कपिल शर्मा शो और सीजन 2 भी हिट के तादार पे। अब मैं आपको बता दूं कि ये पर एपिसोड चार्ज करते हैं 5 करोड़ एंड देन उसके बाद इनका टोटल एग्रीमेंट प्रीवियस सीजन का 26 करोड़ हुआ था गाइस। तो इनका नेटवर्थ तो बहुत ही ज्यादा है, बट उन्होंने ये बोला कि एक टाइम मेरे जिंदगी में इतना ज्यादा बुरा आया था कि मैं पूरे तरीके से करप्ट हो गया था, जहां पे इन्होंने बोला था कि मैंने सोचा कि चलो ये तो मैं काम करता हूँ, कपिल शर्मा में साइड से प्रोड्यूसर का भी काम करता हूँ और मैंने 2 मूवी में इन्वेस्ट कर दिया जिसके वजह से वो मूवी बहुत ज्यादा गंदा फ्लॉप गई, जिसके वजह से मेरा पैसा पूरा तरीका से मतलब चला गया और मैं बैंक करप्ट हो गया। और वो 2 मूवी थी फिरंगी, आपने देखा है कि वो फिरंगी एक मूवी कैसा था, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि पुराने जमाना 1940s का एक मूवी जहां पे स्वतंत्र दिवस के टाइम पे कॉमेडी मूवी, और एक मूवी सन ऑफ मंजीत सिंह। सो गाइस ये भी मूवी एक पंजाबी का इसमें बेस था, जहाँ पे मूवी का मुझे उसे स्टोरी लाइनिंग पता नहीं ना, मैंने नाम भी सुना था। सो गाइस मैं आपको बता दूँ, कपिल शर्मा का ये बोलना था कि जो प्रोड्यूसर लोग भी होते हैं वो लोग भी इस चीज़ का पढ़ाई करते हैं, उनको पता होता है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो यही मेरा गलती हो गया। एंड देन उसके बाद उन्होंने बोला उस टाइम में मेरी वाइफ गिन्ने ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। तो गाइस ये तो बात मुझे पता चल गया कि हाँ पैसे हर जगह इन्वेस्ट करने से नहीं चलता है, सोच समझ के करना चाहिए वरना कपिल का हाल हो जाएगा। बट बोलते हैं ना ऊपर वाला कि उन पे बहुत कृपा है, जिसके वजह से उन्होंने काफी कमा लिया जितना वो लुटा चुके हैं। सो गाइस दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। हाउ मच यू लाइक द वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।